What's up, my lovely friends? Hope you guys are doing fantastic today. So guys, अगर आप एक ड्रोन ओनर हैं या फिर आप एक नई ड्रोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ड्रोन से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आपके पास किसी भी तरह की ड्रोन हो, किसी भी ब्रांड की ड्रोन हो, चाहे वो प्रोटोटाइप हो या फिर सिर्फ एक टॉय ड्रोन ही क्यों ना हो, उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है. अगर आपकी ड्रोन रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो इलीगल मानी जाएगी और पकड़े जाने पे आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. अब ये सब सुन के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ड्रोन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ. इसको नॉर्मली हवा माना जाता है, लेकिन ये बहुत आसान है और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये पूरा ऑनलाइन है, आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है. अब ड्रोन रजिस्ट्रेशन जो है दो पार्ट में विभाजित है. एक पार्ट में तो आपके खुद का रजिस्ट्रेशन, मतलब ओनर का रजिस्ट्रेशन, आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. पहले जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ओ नंबर मिलेगा, OAN, ओनर ऑथराइजेशन नंबर. जब आपको वो मिल जाएगा उसके बाद जाके आप ड्रोन रजिस्टर कर सकते हैं अपने. और ये सब कुछ एक वेबसाइट पे जाके होगा और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सी वेबसाइट है. बट पहले ये जान लेते हैं कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपको पासपोर्ट. आपके अपने पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज की स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी. और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना आधार भी यूज कर सकते हैं और आधार के भी फ्रंट और बैक पेज की स्कैन कॉपी लगेगी. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप स्कैन करें तो वो एक ही शीट को यूज करें, मतलब फ्रंट के लिए अलग शीट और बैक के लिए अलग शीट अपलोड ना करें, रिजेक्ट हो जाएगा. एक ही शीट पे फ्रंट और बैक दोनों होना चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट हो या आधार हो. अगली जो चीज आपकी इसमें लगने वाली है वो लगने वाली है ड्रोन की 3 हाई रेजोल्यूशन फोटो. अब ये फोटो आप अपने स्मार्टफोन से भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे स्मार्टफोन के कैमरे भी बहुत हाई रेजोल्यूशन हो गए हैं. एक चाहिए इनको फ्रंट एंगल, एक चाहिए टॉप एंगल और एक चाहिए क्लोजअप, जहां पे आपकी ड्रोन में एक सीरियल नंबर होता है हर कंपनी का, वो लिखा हो उसका, मतलब वो क्लियरली दिख रहा हो. और जितनी भी आप ये फोटो लेंगे उसके बगल में एक स्केल या कोई मेजरिंग टेप रख के फोटो लेनी है आपको, कुछ इस प्रकार से जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ. ये इसलिए ताकि इनको आपकी ड्रोन के डायमेंशन का अंदाजा हो सके कि आपकी ड्रोन कितने बड़े आकार की. अगला जो डॉक्यूमेंट आपका लगना है वो लगना है यूटिलिटी बिल. अब यूटिलिटी बिल आपका हो सकता है बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस के कनेक्शन का बिल, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और आपका पोस्टपेड मोबाइल का बिल, लैंडलाइन का बिल. अगर आपके पास ये सारे अवेलेबल नहीं है तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बैंक की स्टेटमेंट 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए. और प्लस आप चाहें तो उसमें जो आपके ट्रांजैक्शन है आप उनको ब्लैकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपका नाम एड्रेस वगैरह देखना होगा. अगली जो चीज लगने वाली है और जो लास्ट है वो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब हाईएस्ट एजुकेशन आपकी जो भी हो. अगर आपने 10th कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो आप अपने 10th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी, आपने 12th करा हुआ है तो 12th ग्रेजुएशन करा हुआ है तो ग्रेजुएशन की स्कैन कॉपी आपको इसके दौरान लगने वाली है. अब ये तो हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात. मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तभी आप अपना ये प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है. इसमें आपको रजिस्ट्रेशन में लगभग 25 मिनट से आधे घंटे का टाइम लग सकता है. काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी, भरनी होंगी, तो सब कुछ रेडी रखने के बाद ही शुरू करें. और दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रोसेस को सेव करने का ऑप्शन नहीं है. अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया तो आपको वो पूरा एंड तक खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में उठ जाते हैं तो फिर आपको दोबारा जब बैठेंगे ना तो आपको वो सब कुछ शुरू से भरना पड़ेगा. अब दोस्तों, ये वो वेबसाइट है जहां पे आके आपको अपनी ड्रोन को और अपने आप को रजिस्टर करना है. सबसे पहले तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेज से नीचे आके स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको ये इनलिस्ट माई ड्रोन का ऑप्शन मिलेगा. आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा ताकि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकें. एक बार जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तब फिर आप अपनी ड्रोन को रजिस्टर यहाँ पे करना शुरू कर सकते हैं. आप कहीं पे भी अटके तो यहाँ पे एक नीचे आपको ईमेल आईडी, इनके कस्टमर केयर ईमेल आईडी दी हुई है. बढ़िया बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी रिप्लाई करते हैं. मैंने एक क्वेरी डाली जानने के लिए कि ड्रोन के रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है कि नहीं, और इन लोगों ने 4 घंटे में रिप्लाई कर दिया. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी एक पुरानी ड्रोन को रजिस्टर करके दिखाऊं इस पोर्टल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप लाइव, तो मेरे को कमेंट करिए, मैं वो भी कर सकता हूं आप लोगों के लिए. सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. बाकी आप अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.